गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम कोलकाता। फिलहाल मैं हूँ पार्किंग पे एंड आज हम लोग जाएंगे शायद मालदा या सिलीगुड़ी। घर जाने वाले हैं, इधर से 900 किलोमीटर होगा, तो एक दिन में नहीं होगा क्योंकि अभी टाइम हो चुका है 10:30। निकलते निकलते 11 हो जाएगा, तो देखते हैं कितना दूर जा पाते हैं। एंड पार्किंग पे इधर पर रुका हुआ है अपना नया बाइक। सो बहुत ही खुश हूँ, आप लोगों की दुआ एंड अल्लाह ने दिलाई है ये बाइक मुझे, तो थैंक्स टू एवरीवन फॉर योर दुआ एंड ब्लेसिंग्स। थोड़ी देर बाद ही हम निकलेंगे, लेकिन गाइस इशू ये है कि GoPro का J-mount नहीं है। सो ऐसे ही अगर मोटो ब्लॉक नहीं हो पाया तो रुकते रुकते ब्लॉक करते करते जाएंगे। सो यार वी आर गेटिंग रेडी, बाइक पे स्टेडल लग रहा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा दोस्त का है, मैंने लिया है क्योंकि अभी तक मैंने कुछ खरीदा नहीं एसोसरीज और बैग वगैरह। अभी ये बाइक यूज टू होने में मुझे लगभग 7 दिन लग जाएगा अगर मैं रोज चलाऊ तो, क्योंकि इसका वेट जो है वही थोड़ा मेरा इशू आ रहा है, बाकी कुछ इशू नहीं आ रहा है, हाइट का भी प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई जी कुछ बोलोगे? बस पैकिंग हो रही है और उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग आराम के लिए निकलेंगे, अपने घर के लिए निकलेंगे। तो घर के लिए तो निकलेंगे, जहाँ पे 8 बजे का उधर ही रुक जाएंगे, ऐसा करके राइड करेंगे आज समझे। अगर सिलीगुड़ी तक 8 बज गया तो हम लोग चले जाएंगे घर, कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू द गूगल मैप इधर से सिलीगुड़ी लगभग 13 आवर्स लगेंगे, तो 1 बज चुके होंगे रात को, देखते हैं हम लोग कितना दूर जा पाए। अभी अभी मैंने गूगल पे चेक किया, इधर पे पास में 1.2 किलोमीटर पे एक बाइक का शॉप है, उधर पे हम लोग देखेंगे J-mount मिलता है कि नहीं। जैसे कि GoPro काम नहीं कर रहा है, एज यूजुअल GoPro का प्रॉब्लम। सो अभी हम लोग है अपना ढाबा पे, ढाबा का नाम है अपना ढाबा, यस। टाइम हो चुका है 3:30, तो हम लोगों ने सोचा कि सिलीगुड़ी हम लोग रात के 12 बजे से पहले पहुंचेंगे नहीं, तो अभी क्योंकि हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, विदिन 100 जा रहे हैं, तो हम लोग सोचे कि मालदा पे रुक जाएंगे, कल हम लोग घर के लिए निकलेंगे। एक्चुअली क्या हुआ था, गूगल लेडी जो है वो बहुत ही कंफ्यूज कर दिया था इन सिटी, तो सिटी से निकलने में ही बहुत टाइम लग गया कोलकाता सिटी से निकलने, फिर आकर जो वे 1 way मिलता है उसमें भी उल्टा पुल्टा, कभी राइट लेफ्ट देखा कि पता नहीं कौन सा गली से लेके आया हमको, इसीलिए अभी हम लोग हाईवे पकड़ लिया एंड इधर से अभी मालदा जाएंगे। शायद मालदा इधर से 6 घंटा या 7 घंटा का रास्ता होगा, तो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं, होटल फिक्स करना है उधर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बहरामपुर। हम अभी बहरामपुर पे है, कल रात हम 8 बजे बहरामपुर पहुंच चुके थे एंड इट्स द डे टू ऑफ आवर राइड। आज हम लोग जाएंगे बहरामपुर से डायरेक्ट धुबरी, 12 घंटे का रोड है। भाई जी कितने किलोमीटर होगा सर? 600 किलोमीटर होगा, ऐसा ही 600 किलोमीटर कुछ होगा, तो इसको हम अभी स्टार्ट करते हैं। बाइक तो न्यूट्रल पे है, ऑल राइट गाइस। तो हम लोग राइड शुरू कर चुके हैं एंड राइट नाउ 3-4 किलोमीटर आने के बाद इट्स 7 o'clock, ऑलमोस्ट 7:05 बाकी है एंड अभी हम लोग डायरेक्टली जाएंगे सिलीगुड़ी, मतलब धुबरी ही जाएंगे। तो आज डबल लेन मिल गया, कल जो रोड था बहुत ही खराब था, पॉकेट रोड था, तो पता नहीं कौन सा शॉर्टकट देखा था गूगल लेडी, तो उसी के चक्कर में हम लोगों को एक्चुअली हम लोग कल फ्रस्ट्रेट हो गए थे रोड देख के, और रोड भी खराब था जिस रोड से हम लोग आए, लगभग 30 किलोमीटर चलाने के लिए नहीं, लगभग 50 किलोमीटर चलाने के लिए 2 घंटा लग गया था, तो उधर पे ही हमारा टाइम कंज्यूम कर गया। सोचा था कि हम लोग सुबह सुबह 4 बजे निकले, नींद ही टूटा 6 बजे, तो आज भी थोड़ा लेट है। ऑलराइट गाइस, तो टाइम इज 8 AM और हम लोग फरक्का पहुंच गए, ये है फरक्का ब्रिज, शायद डैम होगा, दोनों साइड ही पानी नजर आ रहा है। अभी हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, मतलब आज हम लोग टाइमली खाना खाएंगे ये प्रॉमिस किया खुद से,
क्योंकि कल हमारा ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ था, डायरेक्टली अपना लंच हुआ था वो भी 4 बजे, बट आज हम लोग टाइम से ब्रेकफास्ट करेंगे, विदिन 8:30 हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। अच्छा ढाबा वगैरह ढूंढते ढूंढते ही मतलब टाइम निकल जाता है, तो अभी तो कॉफी पीना ही पड़ेगा। सुबह बिना कुछ खाए पिए हम लोग निकल आए। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग ढाबा पहुंच गए एंड राइट नाउ टाइम इज 9, सो इधर पे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद शिलीगुड़ी या शिलीगुड़ी के बाद हम लोग प्लान करने का प्लान कर रहे हैं 1 बजे या 1:30। सो आपको मैं ढाबा दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत है ढाबा। सो हम लोगों ने बाइक इधर पार्क किया है एंड आपको मैं ढाबा का नाम बताता हूँ, परदेसी ढाबा देखा। एंड ढाबा वाला ने ये सोचा कि तुम तो ठहर परदेसी, सुबह पहली गाड़ी से निकल जाओगे। उधर पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, बच्चे के लिए खेलने का जगह है एंड उधर पे इंटरेस्टिंग है वो रहा अपना भाई टोनी स्टार्क, सॉरी आयरन मैन। अभी मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को अंदर लेके जाऊं। इधर पे एक खूबसूरत मंदिर भी है, दोनों और अंदर का एम्बियंस भी बहुत अच्छा है। एक्चुअली जब आप ट्रैवल करते हो तो ऐसे कोई कैफे ढाबा मिलने से अच्छा लगता है, टाइम भी 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जितना भी रुकना चाहोगे। चलिए अभी खाना टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा है ढाबा का खाना। ढाबा तो बहुत ही एम्बियंस बहुत ही अच्छा है। ऑल राइट गाइस, तो अभी हम लोग परदेसी ढाबा जहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा था, पूरी सब्जी इज टेस्टी एंड स्पेशली द रसगुल्ला। ऐसे में मीठा ज़्यादा खाता नहीं हूँ आजकल। तो इधर से शिलीगुड़ी है 185 किलोमीटर एंड धुबरी है 489 किलोमीटर, तो लगभग 10 घंटा लग जाएगा शायद। एंड धीरे धीरे गर्मी स्टार्ट हुआ शुरू हुआ क्योंकि अभी टाइम हो चुका है 9:54, 11-12 बजे थे और भी गर्मी लग जाएगा। अगर आपको इस रास्ते में खाना है तो बहुत ही सही ऑप्शन है बोल सकते हैं परदेसी ढाबा। आप लोगों ने इसका जो एम्बियंस है अंदर में बहुत ही खूबसूरत है। कॉफ़ी भी अच्छा था, नॉर्मल कॉफ़ी लिया था हम लोगों ने और पूरी सब्जी भी रसगुल्ला भी। अगर मुझे गूगल में रेटिंग करना है तो इसको 5 स्टार ही दूंगा मैं। फिलहाल भाई जी कैमरा पकड़ते हुए पीछे, मुझे लगता है जो ऊपर वाला का व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत व्यू है, व्यू आ रहा है मतलब। और भाई लोग आज बाइक चला के कुछ अलग ही मज़ा आ रहा है, मतलब इसका जो ना बाइक को मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, समझने के लिए टाइम चाहिए, तो मैं रोड मोड पे अभी चला रहा हूँ। हालांकि 4 मोड है और बाइक का पूरा रिव्यू नहीं, पूरा बाइक में क्या क्या है क्या नहीं है मतलब पूरा डिटेल्स वीडियो में अलग से बनाऊंगा एक एक करके। फिलहाल लेट्स राइड टू शिलीगुड़ी। ओके, लेट गाइस, तो अभी हम लोग शिलीगुड़ी पे एंड इधर पे हमारा दोस्त मिलने के लिए अभी। हे गाइस, थैंक यू आने के लिए। अभी मेरे ये देखो क्या लो पावर मोड, लो पावर मोड। बहुत दिन बाद जियोदर से मिलने का मौका, कितने दिन बाद। हाँ, आप लोग साल भर के बाद आए गए मिल रहे, बहुत आपकी निगाह के बाद ही मिल रहे हैं, बहुत टाइम बाद, 2 साल हो गया शायद। और आते ही इतना बड़ा सरप्राइज, नेक्स्ट टाइम आने से 1-1.5 साल में आ रहा है बड़ा सरप्राइज। जरूर जरूर, जल्दी जल्दी आ रहा है, जल्दी आ रहा है। थैंक यू ब्रो फॉर कमिंग। ऑल राइट गाइस, तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले शिलीगुड़ी से निकल आए और आपने जो ब्लॉग पे देखा वो था हमारा भाई, अभी उससे मिलके जा रहे हैं, बस मिलने के लिए आया था। एंड अभी इधर से लगभग 200 किलोमीटर है धुबरी और अभी तक हम लोगों ने लंच नहीं किया, भाई जी को भूख नहीं है क्योंकि थोड़ी देर पहले वो बाइक चला रहा था, बीच में भाई जी भी बाइक चला रहा था तो एक्साइटमेंट में शायद उसका भूख मिट गया और वो बोला कि अभी लंच नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, मतलब 1 घंटा बाद। और बाइक का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा मिल रहा है आज, मतलब लव इट परफॉर्मेंस, इसका पावर एंड परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और थोड़ी देर बाद मतलब 100 किलोमीटर बाद शायद हमको फिर से सिंगल लेन मिल जाए, तो उधर पे ही थोड़ा दिक्कत हो जाता है, दिक्कत मतलब स्लो हो जाता है राइट,
और एक बात गाइस, अभी मैं बाइक गिराने वाला था तो पार्किंग पे आके रुका था तो थोड़ा हिल गया था बाइक, तो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका वेट जो रखना है बैलेंस करके, लेकिन बाइक नहीं गिरा, नहीं तो बुरा लग जाता। पहले ही दिन बाइक गिर गया, ये बुरा लग जाता। और जहाँ तक देख रहा है मुझे बाइक में बहुत सारे चीज़ें इंस्टॉल करना पड़ेगा, अगर ये गिर गया तो कोई स्क्रैच विस्क्रैच ना आ जाए। बाकी बाइक तो पूरा गंदा हो चुका है देखने में अभी, मतलब पूरा ये बग्स वगैरह और पूरा धूल मिट्टी लगा हुआ है लॉन्ग राइड पे, जो कि हो ही जाता है। ऑल राइट गाइस, अभी टाइम हो चुका है 7:20 एंड हम लोग पहुंच चुके हैं 6:35 को, इधर पे पहुंच चुके हैं, मतलब हमारा घर। फाइनली वी रीच्ड आवर होम एट डुवरी एंड बाइक चला के आज बहुत मज़ा आया। जैसे कि मैंने बताया पहले भी, बाइक चला के बहुत 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 मज़ा आया। और ओके गाइस, तो आज बहुत ही टायर्ड हो चुका हूँ एंड अभी रेस्ट करने जा रहा हूँ। प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।